हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि SSJD का फॉर्म भरना। फॉर्म पूरी फिलअप करके दिखाऊंगा, फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, कौन से स्टेप में कौन सी चीज आपको फिल करनी है, ताकि उससे आपको कोई भी गलती ना हो। आप घर पे भी भर सकते हो, आपके पास मोबाइल है तो भी भर सकते हो, आपके पास लैपटॉप है तो भी भर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में चल रही है, आपको पता है तो फुल एकदम, इसीलिए मैं लैपटॉप में दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए तो मैं कैप्चर कोड डाल लेता हूँ, यहाँ से मैंने ID डाल रखी है और मैं यहाँ से कैप्चर कोड डाल देता हूँ। चलिए ये मैंने डाल दिया, कैप्चर कोड डाल लिया। अब यहाँ से हमें करना है लॉगिन। क्या करना है? लॉगिन। जितना आपका नेटवर्क का सर्वर होगा उतना ही फास्ट आपका चलेगा। मेरे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, 4G चल रहा है, वो भी धीमे धीमे, तो नेटवर्क जैसे ही आ जाएगा वो इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे नेटवर्क की थोड़ी सी गति थोड़ी सी धीमी है। चलिए तो इसके बाद आपको अप्लाई पे करना है। ये फॉर्म आ चुका है, ये मेरी ID खुल चुकी है, परसाराम सारण के नाम से है, तो ये ID आपके खुल चुकी है। चलिए मैं अप्लाई फॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए अप्लाई फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। कॉन्स्टेबल GT इन सेंट्रल अहमदाबाद पुलिस फोर्स। चलिए मैं अप्लाई पे क्लिक कर दिया। चलिए अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में मैं आपको कुछ बता दें, अगर आप कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। आप यहाँ पे एजिटेज जो कि आपके मार्क शीटों के अंदर है वो आप यहाँ पे पहले फिल कर लेना, जिससे आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ से सुधार बाद में आप थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। चलिए ये हो गया ऊपर से स्टार्ट मेरा, तो ये मेरा कुछ काम कर रही है फिल है। यहाँ ऊपर लिखा है मेरा नाम, यहाँ पे मेरे फादर्स नेम लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं करना। यहाँ मेरे मदर्स नेम, यहाँ लिखा है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एज लिखी है, यहाँ पे OBC कैटेगरी सिटीजन, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। चलिए यहाँ तक कोई नहीं करना। एक्स सर्विस मैन, आप पहले काम कर चुके हो या नहीं, तो हमें नो पे क्लिक करना, हम नो पे क्लिक कर देंगे। इसमें ज्यादा कोई भी दिक्कत या मटेरियल नहीं है। चलिए तो यहाँ पे इस पर नो पे क्लिक कर देते हैं। चलिए नो पे कर दिया और यहाँ पे हमारा फिल नहीं होगा। और यहाँ से नीचे चलते हैं, यहाँ पे भी फिल नहीं होगा। फिर यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करना, सेंटर। चलिए तो सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से सेंटर सेलेक्ट कर देता हूँ। चलिए तो मैं सेंटर ढूंढ रहा हूँ, सेंटर 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 सेंटर, और ये मिल गया मुझे जोधपुर। एक नंबर पे मुझे मिल गया जोधपुर, दो नंबर पे सेलेक्ट कर देता हूँ मैं जयपुर, दो नंबर पे जयपुर, और तीन नंबर पे कर देता हूँ मैं बीकानेर। सेलेक्ट कर लिया हमने जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, तीन चीज हमने सेलेक्ट कर ली। इसके नीचे चलते हैं, इसके नीचे मीडियम फॉर कंप्यूटर बेसिस एग्जामिनेशन। आप कंप्यूटर बेसिस एग्जामिनेशन है वो किस पे देना चाहते हैं? आपकी लैंग्वेज इंग्लिश बढ़िया है या हिंदी बढ़िया, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कोई सी भी। जैसे कि हमारी तो हिंदी है सर, हिंदी सेलेक्ट कर ली। फिर से हमें हिंदी कर लिया, दोनों जगह वेरीफाई और रीवेरीफाई के अंदर आपको हिंदी सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे आपको डिप्लोमा, तो यहाँ से करेगा आपका राजस्थान, तो मेरा राजस्थान है, मैं राजस्थान ही सेलेक्ट करूंगा। आपका जो भी हो वो सेलेक्ट कर लेना। फॉर्म आप कहीं से भी भर रहे हो तो HD होगा वो फॉर्म में, कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे जैसे कि मैंने जोधपुर जयपुर लगाए, ये मेरे राजस्थान के जैसे कि जिले हैं, तो वैसे हो गए यहाँ। चलिए यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मेरी है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कौन सा है, तो मैं हूँ नागौर से, मैं नागौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए तो हमने डिस्ट्रिक्ट तक तो कर दिया था हमारा, यानी कि राजस्थान, राजस्थान के अंदर नागौर, हमने डिस्ट्रिक्ट तक तो कर दिया। इसके आगे आता आपको जो भी पोस्ट है वो पोस्ट सेलेक्ट करनी है। चलिए तो पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए मैं पोस्ट की डिटेल दिखा देता हूँ सबसे पहले। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट की डिटेल देख लीजिए, बॉर्डर सिक्योरिटी BSF, एक नंबर ए नंबर पे, बी नंबर पे CSF, सी नंबर पे CRPF, डी पे SSB, ई पे ITBP, एफ पे AR और एच पे SSF, ये आपको यहाँ पे फिल करनी। तो चलिए मैं जो भी मेरे, आप अपने हिसाब से कर देना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। चलिए देखिए बी बी ए सी
एफ डी और एच, एडिटीज के एडिटीज आपको नीचे पढ़ देनी है। चलिए चलिए, बी ए सी ई एफ डी और एच, सारी पोस्ट की डिटेल बढ़ती, सारों 6 पोस्टें आ चुकी है। इसके अंदर आप काउंटिंग कर सकते हो, आप जितनी पोस्ट इसमें दी गई है, दी गई 6 7 7 पोस्ट दी गई, वो सातों पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। ये आपको हो गई, फिर यहाँ से आपको नीचे ये हो गया, ऊपर का सारा मटेरियल भर दिया, फिर से रिव्यू लेंगे तब आपको दिखाएंगे कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। चलिए इसके नीचे आते हैं, आपको क्वालिफिकेशन पूछ रखे हैं। क्वालिफिकेशन तो आप आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, चलिए तो क्वालिफिकेशन पे आपने कौन सी क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे भी 10th+2 आपने 10th कर सकी है, 10th+2, तो चलिए हाई इंटरमीडिएट में कर देता हूँ, और 10th+2 मैंने कर रखी है, और ये बेसिस पे है 10th बेसिस पे, तो 10th बेसिस पे है, तो ऑलरेडी मेरा जो भी है वो सेलेक्ट आ चुका है। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, मेरी स्टेटस जो कि पास पूछ रहे हैं, और यहाँ पे मेरा परसेंटेज जो कि पूछ रहे थे, जो कि मेरा परसेंटेज है वो यार देखना पड़ेगा। चलिए ये 1 मिनट, 1 मिनट यार, मेरा है 55.67, ये मेरा परसेंटेज है। चलिए ये मेरा है जो कि पास हूं मैं, और मेरे परसेंटेज है 10th लेवल के अंदर। चलिए और 27 के अंदर मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, अब तो यस या नो दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, यस कर दो ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर यहाँ पे आपकी डिटेल लिखी हुई आ जाएगी, आपकी जो भी डिटेल होगी वो, जैसे कि विलेज है मेरा टोकी चंद्राई, तहसील लाड़ू, स्टेट राजस्थान, नागौर, 34-13-16, ये डिटेल है, और यहाँ पे मेरी जीमेल आईडी और जीमेल मेरा अकाउंट दे रखी है। चलिए ये चीज होगी, ये सबसे जरूरी चीज है। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद जो बात आती है वो है हमारी मतलब फोटो और सिग्नेचर, ये सबसे ज्यादा, ये आपको फाइल मैनेज करके रखनी पड़ेगी। अगर आपको ये जानना है कि भाई इसमें जो कि हमारे केबी के अंदर सेट नहीं होते, जैसे 20 से 50 KB और 10 से 20 KB चाहिए, वो सेट नहीं होती, तो वो कमेंट करो आप, या मैं उसका वीडियो, आप उससे पहले मैं आपको वीडियो आप तक मिल जाएगा, उसी के बाद आप काम कर सकते। चूज फाइल, यहाँ पे मेरी फोटोग्राफ चूज करनी है, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरी फाइल खुल जाएगी, और फाइल के अंदर जो भी दी गई है वहां से मेरी खुद की फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये मेरी पिक्चर आ चुकी, मैंने ऑलरेडी इसे सेट कर रखा है। चलिए फिर यहां से मेरे सिग्नेचर, तो ये मेरे सिग्नेचर, ये दोनों चीज यहाँ पे फॉर्म पूरा फिलिप हो चुका है, मेरे सिग्नेचर और मेरी फोटो के साथ में मेरा फॉर्म पूरा फिलिप हो चुका है, तो इसमें कोई नहीं है। और यहाँ पे आपको फोटो के नीचे यस कर देना, आपको फोटो के नीचे यस कर देना, आपको फोटो के नीचे क्या कर देना है, यस, यहाँ पे फोटो के नीचे यस कर देना। यस किस लिए करना है, ये पूछ रहा है फोटोग्राफ बी टेकन आफ्टर, यानी कि ये पूछ रहा है कि 24 अगस्त 2023 के बाद की फोटो है ना, तो ये मेरी फोटो है सिर्फ 15 दिन पहले की, उस टाइम दाढ़ी कम थी अब ज्यादा है, इमेज तो नहीं खाई गई। चलो कोई नहीं, इसके नीचे आई एम एग्री पे क्लिक कर दिया, और यहाँ से ये है कैप्चर कोड भरता हूँ, LPBW W, ये हो चुका पूरा कैप्चर कोड हो चुका। ये होने के बाद में यहाँ से मैं रिस्टार्ट या प्रीव्यू, तो मैं यहाँ से प्रीव्यू के अंदर चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, और हम पहुंच जाएंगे इसके वापस वेरिफिकेशन के। तो दोस्तों क्या है ना कि हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत आ गई है, तो इरर आ रहा है, हर बार बार बैक कर रहा है, इसीलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग बल्कि कैमरा है। ये देख लीजिए मेरा नाम आ गया, मेरे फादर्स नेम, ये रिव्यू आ चुका, हमने फॉर्म पूरा फिलअप कर दिया है, ये हमारा रिव्यू आ चुका, एक बार आप रिव्यू इसमें देख लो ना, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो पता नहीं क्या क्या, ये मेरे सेंटर भरे थे, ये देखिए जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, ये जो भी सेंटर मैंने यहाँ पे ऐड किए थे, ये देखिए यहाँ पे देखिए बी ए सी, ये मैंने सातों पोस्टें डाल दिए यहाँ पे, ये मेरा डाल चुका हूँ, ये देखिए मैं पूरी डिटेल डाल चुका हूँ मेरे 10th लेवल की, यहाँ मैंने पास कर चुका हूँ मैं, ये देखिए मेरी फोटोग्राफ, और ये, और यहाँ से मैं करता हूँ सबमिट पे क्लिक, ओके
मैं यहाँ से सबमिट करना चाहता हूँ। चलिए मैंने सबमिट कर दिया यहाँ से, और सबमिट करने बाद में यहाँ पे बता रहा है आपको प्रिंट लेना है येस, या आपको पेमेंट प्रोसेस करनी है, तो मैं यहाँ से पेमेंट करूँगा येस। पेमेंट करता हूँ यहाँ से, पेमेंट पर जैसे क्लिक करता हूँ ये सबमिट का ऑप्शन आ गया। यहाँ से मुझे चूज करना होगा ब्राउजर, चलिए मैं उस ब्राउजर पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ से यूपीआई आईडी से करना चाहूँगा, तो चलिए मैं यूपीआई आईडी पर क्लिक कर देता हूँ। यूपीआई आईडी पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी मांग रहे हैं, तो आप यूपीआई आईडी से करना चाहते हो या क्यूआर कोड करना चाहते हो, तो चलिए मैं यूपीआई आईडी से करना चाहता हूँ। चलिए मैं क्यूआर कोड से कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। चलिए तो मेरे पास क्यूआर कोड आ चुके हैं और मेरे पास सिर्फ 3 मिनट का समय बचा है, इतना ही टाइम देता है, उस टाइम में मुझे ये सारा सारा पेमेंट यहाँ से करना है। चलिए मैं ट्रांजेक्शन यहाँ से करता हूँ। चलिए तो यहाँ से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ऑन है लैपटॉप की, लेकिन मेरे मोबाइल की ऑफ कर दिया मैंने, क्योंकि मेरा जो कि पेमेंट मेथड है वो मैं इस फोन से कर रहा हूँ जिसे मैं अभी आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था। चलिए मैं यहाँ से क्यूआर कोड पर क्लिक कर देता हूँ और मेरे पास सिर्फ टाइम और टाइम बचे हैं सिर्फ 2 मिनट का, और मैं यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करता हूँ। चलिए चलिए मैं यहाँ से क्यूआर कोड फिर से स्कैन कर लेता हूँ। चलिए तो मेरे पास टाइम थोड़ा ही बचा है और मैं यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन कर लेता हूँ। ये स्कैन कर लिया, यहाँ पे मैं पे पर क्लिक करता हूँ और मैं अपनी आईडी से पे कर देता हूँ। चलिए और मेरा यहाँ से पेमेंट होने वाला है, अभी देखिए मेरा पेमेंट पीछे से हो चुका है, मेरा सक्सेसफुली हो चुका है मेरा पेमेंट, जो भी है वो पेमेंट भी मैं आपको दिखा दूंगा। मेरा यहाँ से पेमेंट है जो कि सक्सेसफुली यहाँ से हो चुका है, मैंने कर चुका हूँ यहाँ से, और ये देखिए मेरा ट्रांजेक्शन है जो कि पेमेंट है वो मेरा सक्सेसफुली आ चुका है। तो हमारा पेमेंट है जो कि आ चुका है, ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा पेमेंट है जो कि सक्सेस हो चुका है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो चलिए मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एक मिनट यार। हमारा फॉर्म कंप्लीट फिल हो चुका है, हमारा पेमेंट भी सक्सेसफुली हो चुका है, और हमारा साथ में फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। फॉर्म पूरा कंप्लीट फिलअप करना मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे क्या करना है। अगर किसी चीज़ में आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको और आगे आप मेरे से जानकारी ले सकते हो, फॉर्म में क्या दिक्कत आती है क्या नहीं आती, पेमेंट कभी कभार रुक जाता है बीच में, हम पेमेंट यहाँ से कर देते हैं फिर भी हमारा पेमेंट नहीं होता है, उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, तो वो दिक्कत भी कैसे सॉल्व करनी है और आपको साइड स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ। मेरी लगी हुई पूरी PDF है जो कि PDF की रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए तो यह रही हमारी रिकॉर्डिंग, तो ये हमारा फॉर्म सक्सेसफुली हो चुका है, फिर इसका प्रिंट आउट लेना है। आगे की चीज़ें मैं और आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो हमारा पूरा कंप्लीट काम हो चुका है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर हमें एक बार बता देना।